ओम नमः शिवाय। प्रणाम। श्री सदा शिव प्रभु को प्रणाम। आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड का प्रथम अध्याय। तो सुनिएगा, भगवान वाद सुनते हैं। महर्षि शौनकादि का चुप्पी से शंकर जी की महिमा सुनने का आग्रह करना। तो क्या आग्रह किया, आप सुनिएगा। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सूची महाराज श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की अघोर तपस्या में लीन थे। तो उसी समय वहाँ पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे और वे श्री सूची महाराज को शिव की उपासना में मग्न देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूची से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीननाथ, आप हमारी भव बाधा दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। ये ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुगी रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके शरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पापयुक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कलिकाल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा, वैदिक धर्मानुसार न चलकर निंदित कार्य करने लगेगा, निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्क्रम रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर एवं जप तप तीर्थ इत्यादि को भूलकर केवल पाखंड को करने वाला लगेगा। उनसे यम नियम और संयम कुछ भी न हो सकेगा। आज्ञानुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचार आदि कुकर्मों में पड़कर पापमय जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेगा और सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जातीय कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जातीय कर्मों से विमुक्त होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप कमाने लगेंगे। देव गुरु काम क्रोध और अहंकार में फंसकर इसी पाप रूपी अथा सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करेंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। इसी प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में जाएंगे, ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करेंगे, क्षत्रिय वैश्यगामी कसोंगी भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर पुरुष तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री का कामांधवश पाप के भागी होंगे। वैश्याई सत्यवती नारी अपने बनने का दावा करेगी तथा सती स्त्रियां लांछन युक्त हो जाएगी। पिता पुत्र माँ बेटी गुरु शिष्य का निराधार करने लगेंगे। जब तप सील बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत पवित्र से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दम तथा शालाकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा की
तीन सामग्री कंघा शीशा और शूर्मेदानी बालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कलिकाल में आसुरी प्रभाव वन सज्जन पुरुष शिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। तो हे भगवान दयालु गुरु, अपने शिष्यों से गुड़ से गुड़ भी भेद न छिपाते हैं, फिर आपके सम्मान इस संसार में कोई दूसरों का उद्धार करने वाला है या नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं, आपने उनसे सभी वेद पुराणों के सार को ग्रहण किया है। जो हे ज्ञानेश, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कलिकाल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझा कर हमें मुक्ति के सद्मार्ग को बताए, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण होवे। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करें। इसी प्रकार आगे सदगुरु कहते हैं कि ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर जी के शरणों का ध्यान धरकर सौनक आदि ऋषियों से कहने लगे कि हे वत्स सौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप सभी सुनिए। आप धन्य हैं जो कि आप लोगों के त्रिलोक जीव हितकारी अति उत्तम प्रश्न मुझसे किया है। तो सुनिए, मैं आप सबके सन्मुख भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने से यानी सुनने से आप कलिकाल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थकारक वेदांत सार हैं। भगवान श्री शंकर जी के शरणों में प्रीति रखने वाला कलिकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पुत्रों के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगण, आप सब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं आपके सम्मुख त्रिलोकपति श्री भगवान श्री शिव शंकर जी की वक्ता कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से ही कलिकार की सारी वैधा नष्ट हो जाती हैं। जैसे ही गर्म तवे पर पानी की बूंद नष्ट हो जाती है, वैसे ही भगवान श्री शंकर जी का यह चरित्र कलिकाल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के शरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल के अनेकों पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष पा जाता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्म घात, हिंसा, मदिरा पान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इन संसार को दुख का रूप जानकर भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करे। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप फटकर भी नहीं आते हैं। सौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी की महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे प्रभु, श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूपी हैं, कैसे हैं, वह आप हमको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी के इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए। क्या संसार अथवा पल्ले के समय भगवान शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित होते हैं, क्या कार्य करते हैं तथा वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आप गुरु कृपा से भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल के
विषय में पूर्ण ज्ञानी हैं, हमारे माता पिता व गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया है, सौभाग्यवश अपने हमारी भेंट की है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ है। हे प्रभु, आप कलिकाल के पापों को नष्ट करने वाली भगवान श्री शंकर जी की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे इस जीवन को सार्थक कीजिए। हे पाप मोचन, हे जगत पिता, हमारा इस संकट से उद्धार कीजिए। तो भक्तों, ये था शिव पुराण, शिव महापुराण रुद्र सीता प्रथम खंड का प्रथम अध्याय। इसमें जो मैंने आपको बताया है वो आप ध्यानपूर्वक सुने। उसमें कुछ उपाय भी हैं कि कैसे भगवान की साधना करनी है, किस प्रकार से भगवान को पूजना है, भगवान सदाशिव कैसे थे। आप एक बार वापस सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से थे भगवान गुरुवर और शौनक जी के बीच की जो वार्ता है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को प्रणाम करते हैं और आपको इसका नेक्स्ट सेकेंड खंड है वो अगले वीडियो में बताएंगे। ओम नमः शिवाय।